बाबा गरीबनाथ मंदिर सभागार में चाणक्य विद्यापति सोसाइटी का 8वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान महामना मदन मोहन मालवीय एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित कर सभी ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान सनातन समाज के विभूतियों के परिधान में बच्चों ने सज धज कर हिस्सा लिया। चाणक्य की भूमिका में आयुष झा ने पहला स्थान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के परिधान में अंशिका ने द्वितीय और चंद्रशेखर आजाद के परिधान में सजल कश्यप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विनय पाठक ने की। उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुषों से शिक्षा लेने की जरूरत है। हमारे बच्चों ने उनके परिधान में अपने को सुसज्जित कर सनातन समाज को एक नया संदेश दिया है। समाज में उनके योगदान को बच्चों ने याद किया। पिछले 8 वर्षों से चाणक्य विद्यापति सोसाइटी अलग अलग आयोजनों के माध्यम से सनातन समाज में शिक्षा, एकजुटता एवं संस्कार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में सोसाइटी द्वारा किए गए पेंटिंग, गायन, वादन, मेहंदी प्रतियोगिता के 14 विजेता बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। हर हर महादेव। सर्वप्रथम बाबा गरीबनाथ के चरणों में मेरा प्रणाम समर्पित है। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली। हर्षो आनंद की खिलखिलाहट मिली। आप सभी के आगमन से यहाँ हर किसी को मुस्कुराहट मिली। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान। जी हाँ, अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आश पूरी होती है।